हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन पात्र। मेरे पास आज एक रेडमी नोट 7 प्रो के ये हैंडसेट है, तो जिसमें कैसे आपको लैंग्वेज चेंज करना है, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश करना है, वो आप मैं डिटेल्स में शो कर रहा हूँ। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए है सब्सक्राइब कर लीजिए और के लाइक भी दे दीजिए। तो ये है, देखिए मैंने सेटिंग पर जा रहा हूँ, ये है और अबाउट फ़ोन, देखिए रेडमी नोट 7 प्रो। ठीक है दोस्तों, रेडमी नोट 7 प्रो। तो अभी हम उसको लैंग्वेज चेंज सेटिंग करेंगे। तो पहले उसको आपको मेन मेनू पे आना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल से दोस्तों क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना होगा और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको ये जो इंग्लिश में शो कर रहा है ये जो नोट, तो ये सब आपको लैंग्वेज चेंज भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा साइट में जो लोगो है, इस जो लोगो को आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा किस लोगो मैंने क्लिक करा हूँ। ठीक है दोस्तों, किस लोगो को मैंने क्लिक करा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर जाना होगा और ऊपर जाने के बाद ये देखिए एडिशनल सेटिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो एडिशनल सेटिंग को क्लिक करने के बाद तो ये देखिए, ये जो 3 डॉट है ये आपकी एडिशनल सेटिंग की लोगो है। तो आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि उसके बाद सब कुछ जो ऊपर का ये जो मार्क है ये है डेट एंड टाइम, और नीचे का जो है ये है लैंग्वेज एंड इनपुट। ठीक है दोस्तों, रीजन को आपको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये देखिए लैंग्वेज या इनपुट, तो उसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद ये जो मार्क हुए है ये है उसकी लैंग्वेज सेटिंग का सिलेक्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको उसको क्लिक कर दीजिए और उसको नीचे ये आपको इंग्लिश यूनिवर्सिटी स्टेटस करना है। तो ये देखिए इंग्लिश यूनिवर्सिटी स्टेटस हो गया। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश इंडिया करना है, तो ये भी देखिए इंग्लिश इंडिया भी हो गया। तो उसके बाद इस तरह आप जो भी कंट्री आपको चॉइस है आप उसको कलेक्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर ओडिया भी है, गुजराती भी है, जो भी और हिंदी भी है लैंग्वेज। तो आपको जो भी पसंद आप उसको चूज कीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी स्टेटस को मैंने क्लिक किया, उसके बाद लैंग्वेज भी चेंज हो गया। उसके बाद बैक जाना है तो देखिए ये आपकी लैंग्वेज चेंज हो गया। उसके बाद मेन मेन को क्लिक कीजिए और देखिए आपकी सारी लैंग्वेज भी ऑलरेडी चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी दे दीजिए।